दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं। एक हमने सपोज एक एफआर का क्वेश्चन उठाया जो कि क्वेश्चन 2 पेज का, उसका सॉल्यूशन 3 पेजेस का है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हमें लगता है कि यार हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, हमने 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर दिए, हमें एक लगता है कि यार हम डम हैं, हमसे हो नहीं पाएगा, बाकी बच्चे इज्जत कर पाते हैं, हमसे हो नहीं रहा। दोस्तों ये सबके साथ होता है, सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है ये सेम चीज़। आपको क्या करना है जब आपसे कोई लंबा क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, या फिर एक कोई छोटा क्वेश्चन भी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, देन आपको अपनी बुक बंद करनी है और उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे रेफर करो इन मॉर्निंग। आपसे बहुत ही स्मूथली सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्योंकि यार आपका ना ब्रेन पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है उस सब्जेक्ट में, आप पूरे फुल हो चुके हो आप उस सब्जेक्ट से। तो चेंज द सब्जेक्ट, उस दिन के लिए वो सब्जेक्ट चेंज कर लो और नेक्स्ट डे ट्राई करना उस सेम क्वेश्चन को उठ के करो, बहुत ईजिली होगा एंड यू विल सी द मिरेकल। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।